छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद छत्तीसगढ़ में रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरा। जब उनके नाम का ऐलान किया गया तो सर्वसम्मति हमने देखी और खुशी भी जाहिर की। और सबसे बड़ी बात यह है, ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, क्योंकि अगर आपको छत्तीसगढ़ में फतेह हासिल करनी है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, आपको आदिवासी वोटर्स को साधना होगा। ऐसे में विष्णुदेव साय, जो कि न केवल प्रदेश में बल्कि केंद्र की राजनीति में भी बड़े पद पर रहे, अब वो प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल के कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त अपना आशीर्वाद दिया है और उसी का एक ऐतिहासिक उत्सव हम यहाँ मनाने जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहाँ से वहाँ का नागरिक, वहाँ का कार्यकर्ता नहीं आएगा, और एक ऐतिहासिक जबरदस्त कार्यक्रम, क्योंकि बदलवों का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, बदलवो बदलवो बदल के रहिवो, वो जनता ने पूरा किया। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के सीएम के रूप में शपथ लेने वाले विष्णुदेव साय का सियासी सफर दिखा देते हैं कि उनका राजनीतिक सफर, राजनीतिक प्रोफाइल क्या है, कहां से शुरुआत होती है। विष्णुदेव साय का सियासी सफर 1989 में ग्राम पंचायत बगिया के पंच चुने जाने से शुरू होता है। 1990 में ग्राम पंचायत बगिया के वो निर्विरोध सरपंच चुने जाते हैं। 1990 में पहली बार वो तपकरा विधानसभा से विधायक बनते हैं। रायगढ़ से 1999 से 2014 तक लगातार 3 बार वो सांसद भी रहे हैं। इसी के साथ में 2011 से 2020 और 2022 तक वो प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहे, प्रदेश में बीजेपी की कमान संभालते रहे। 2023 में कुनकुरी विधानसभा सीट से जीत दर्ज करते हुए वो आज बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को भव्य दिव्य बनाया जा रहा है। वीवीआईपी कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से वीवीआईपी शिरकत करेंगे, तो ये आपके सामने हम रख देते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि, गृहमंत्री अमित शाह आएंगे, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री में सबसे बड़ा नाम साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ का मनोहर लाल खट्टर, रामदास अठावले, मनसुख मांडवीय, प्रमोद सावंत, मोहन यादव, देखिए मोहन यादव शपथ लेने के बाद वहां जाएंगे, ओम माथुर, तो ये बड़े चेहरे हम आपके सामने रख रहे हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में बतौर वीवीआईपी शामिल होंगे। एक बार फिर से नजर डाल लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ में मनोहर लाल खट्टर, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्व शर्मा और रामदास अठावले और खुद मोहन यादव जो कि शपथ लेंगे और उसके बाद दूसरे राज्य में भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।